जहाँ से जिस हिस्से से आप यूरिन पास करती हैं वहाँ से वाइट कलर का डिस्चार्ज आना ये क्या होता है बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये डिस्चार्ज अलग अलग चीज़ों को बताता है इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि ये किसका संकेत होता है ओवरऑल ज़रूरी नहीं है कि महिला को हमेशा व्हाइट डिस्चार्ज हो कभी हल्का येलो कलर का डिस्चार्ज कभी थकी डिस्चार्ज कभी फटे दूध के जैसा अलग अलग तरीके से होता है किसी को रेड डिस्चार्ज ब्राउन डिस्चार्ज ग्रीन डिस्चार्ज ये सारे कलर भी चांसेस हो सकते हैं आपके साथ आने के मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा हुआ ग्रीन डिस्चार्ज आया मैं उसे भी यहाँ पे बताऊँगी वो क्यों हुआ था और ये किन मायनों में कितना प्रतिशत सच और झूठ को बता रहा है चली गई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है डायरेक्ट आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है इस वीडियो को आप अगर आपने वॉच कर लिया लास्ट तक आप पूरी प्रेगनेंसी रिलैक्स और टेंशन फ्री होने वाली है क्योंकि आपको अभी के अब अभी पता चल जाएगा कि बच्चा स्वस्थ है तो आपको कैसे कलर का डिस्चार्ज आएगा और कितनी क्वांटिटी में आएगा तो चलिए डिटेल जानकारी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज मैं आप सबके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूं मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल पहली बार अगर आए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी साथ में लाइक कर दीजिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं शरीर में परिवर्तन की शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं अब बात करते हैं डिस्चार्ज की जहाँ से जिस हिस्से से आप यूरिन पास करती हैं वहाँ डिस्चार्ज आना पहले हम कंसिडर करेंगे एक से तीन महीना फिर तीन से छः फिर छः से नौ जिससे आप सभी सब्सक्राइबर के हिसाब से उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग मंथ के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा कि प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है एक से तीन महीना के बीच में अगर आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है चाहे वो ट्रांसपेरेंट है चाहे वो फिर थ्रेड के जैसा है या फटे दूध जैसा कैसा भी है जस्ट व्हाइट कलर का है सब चीज़ें ठीक है लेकिन इस दौरान अगर आपको रेड डिस्चार्ज आता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए चाहे वो रेड डिस्चार्ज एक ड्रॉप क्यों नहीं आया हो और आपने वो देख लिया अपने पैंटी के अंदर या वॉशरूम जाते हुए तब तो आपको कन्फर्म डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तीन से लेकर कर छः महीना के बीच में इस दौरान भी आपके लिए वाइट डिस्चार्ज पूरा मैटर करता है ये होना चाहिए और ये हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है किसी किसी महिला को इस दौरान कह सकते हैं कि येलो कलर का डिस्चार्ज होता है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप पानी की मात्रा बढ़ाइए उसके बाद भी देखिए फिर भी येलो कलर का हो रहा है तब आप डॉक्टर से मिलिए क्योंकि ये कुछ ठीक से संकेत नहीं है अब लास्ट हम बात करते हैं छः से लेकर 9 नौ महीना के बीच में मुझे आज भी याद है मेरी प्रेगनेंसी के थर्टी फोर या थर्टी फाइव वीक के टाइम में मुझे थोड़ा सा ग्रीन डिस्चार्ज हुआ था अब ये ग्रीन डिस्चार्ज क्यों हुआ था जब मैंने बात की अपने डॉक्टर से तो डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन की बात बताई कि आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन की चांसेस लग रही हैं इसलिए आप पानी की मात्रा बढ़ाइए और एक दो मुझे उन्होंने दवाइयाँ दी और मुझे याद नहीं है कौन सी दवाइयाँ दी लेकिन मैंने इस चीज़ को खाया अगेन दो या तीन दिन के अंदर मेरा जो डिस्चार्ज है वो वाइट कलर का आने लगा कभी भी इस तरह की चीज़ें होती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए अब यहाँ पे लास्ट में बताना चाहूँगी डिलीवरी के तीन चार दिन या पाँच दिन पहले अगर आपको रेड कलर का डिस्चार्ज आ रहा है और ये आना ठीक भी है ये संकेत होता है नॉर्मल डिलीवरी का और ये ऐसा संकेत होता है कि आपका बच्चा अब आपके पास बहुत 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 जल्द आने वाला है इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए डरिए मत जब भी लास्ट टाइम में आपको रेड कलर का ब्लड जैसा डिस्चार्ज आता है आई थिंक गई जैसे वीडियो के अंदर मैंने पूरे पॉइंट को कवर किया जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कब आपको घर बैठे रहना है कौन सी सिचुएशन में और कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के लाइफ का सवाल है मिलते होंगे गाइज आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर